हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सुपर कूल अमेजिंग ऑसम इनसेन क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो में। गाइस, ये लाइन आजकल बहुत ही लंबी होती जा रही है, बट वर्ड्स ही कम पड़ रहे हैं। गाइस, मज़ा जो आ रहा है क्लैश ऑफ क्लैंस खेलने का लास्ट एक दो सीजन से, कुछ अलग ही लेवल का। और जब से मैंने ये, आपको पता ही है ये मेरा फेवरेट सीरीज, रश देन फिक्स, इसे हमें रश किया था टाउन हॉल 9 से डायरेक्टली टाउन हॉल 11 पे इसने रश किया था हमने, और उसके बाद इसे हम फिक्स कर रहे हैं। और गाइज, आप लूट देखो एक बारी, क्यों ये लूट है, इसका रीजन क्या है, आपको पता ही होगा गाइज। स्नीकी गॉबलिंस जब भी मेरे आर्मी कैंप्स में होते हैं, लूट की कोई चिंता मेरे को होती नहीं है। आपको लिटरली बता रहा हूँ, सच, एकदम शत प्रतिशत सच्चाई बता रहा हूँ मैं। गाइज, मैंने कम से कम 20 से 25 वॉल्स अपग्रेड किए, उसके बाद भी मेरे पास इतना सारा गोल्ड और एलिक्सर है। मतलब कितना ज़्यादा फार्मिंग किया मैंने, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा अटैक लॉग। अब अगर आपको मैं टैग लॉग बिल्कुल बॉटम से दिखाऊं, बिल्कुल बॉटम से, 4 घंटे पहले यहाँ से मैंने कंटिन्यू इतना ज़्यादा गोल्ड एलिक्सिर निकाला। आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, आप जस्ट गोल्ड एलिक्सिर की क्वांटिटी सी देख सकते हो गाइस, काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद मैं थोड़ा डार्क के पीछे पड़ गया था क्योंकि मेरे को हीरोज़ अपग्रेड करने हैं। एंड आज की वीडियो की स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं क्वीन को लेवल 40। अब देख सकते हो 37 की क्वीन है, 3 लेवल अप होगा इस वाले वीडियो में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। सो गाइज, प्लीज एंड प्लीज, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, तो डू सब्सक्राइब गाइज, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग 7 लाख सब्सक्राइबर्स, जो हमारा एम है अभी फिलहाल, उस पे पहुंच जाए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो वीडियोस में। मैं अब लाइक रखता नहीं हूँ, पहले रखता था तो थोड़ा पोपट हो जाता था, बट मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो, तो मज़ा आए, तो लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज, प्लीज़ एक आखिरी सपोर्ट आपसे चाहिए होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर आप कोई भी सुपरसेल के गेम्स खेलते हो, चाहे वो क्लैश रॉयल, ब्रॉल स्टार, क्लैश ऑफ क्लैंस, प्लीज़ यार सेटिंग्स में जाके ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटर कोड में मेरा कोड AAA12 डालना बिल्कुल मत भूलना गाइज, ये सपोर्ट आपका इमेंस है मेरे लिए। और गाइज, एक चीज़ और, 2 नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पे, जिनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हो तो अभी 29 रुपीज़ में भी अवेलेबल है, सो आप बन सकते हो। इसमें होगा क्या, मैं कोशिश करूँगा जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ मैं पर्सनल ज़्यादा से ज़्यादा उनके कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूँ, और भी कुछ चीज़ें मैं ट्राई करूँगा आने वाले टाइम पे। तो अगर आप करना चाहो तो उसका आप ज़रूर कर सकते हो, ये सपोर्ट आप दिखा सकते हो चैनल के लिए। तो गाइज, ओके, सो 2 बिल्डर्स फ्री हैं। अब सबसे पहले मैंने बात करी क्वीन की, तो क्वीन को 1,50,000 डार्क एलिक्सिर चाहिए होगा। अब मैं थोड़ा सा दूर हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रेजरी में भी थोड़ा सा डार्क है, कुछ खास नहीं, क्योंकि जिस लीग में मैं हूँ उसका बोनस बहुत ही कम है, तो यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल नहीं गलेगी। हम करते क्या हैं, थोड़ा बहुत अटैक तो हमें करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं एक बिल्डर को तो बिजी करवा ही सकता हूँ, तो एक बिल्डर को हम अर्ली बिजी करेंगे, एक बिल्डर को हम बाद में क्वीन 40 करने के बाद में बिजी करेंगे। तो एक हैवी अपग्रेड दूंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा गोल्ड है, तो एक हैवी अपग्रेड इन्फर्नोटार, कुछ ज़्यादा हैवी हो जा रहा है, ज़्यादा हैवी हो जा रहा है, उसके लायक मेरे पास गोल्ड नहीं है, बट आई थिंक कि एक अटैक ही काफ़ी होगा मेरे को इतना गोल्ड इकट्ठा करने के लिए। तो एक काम करते हैं, उसका वेट करते हैं, ठीक है, चलो फार्मिंग पे चलते हैं एंड एक अच्छा तगड़ा लूट मारते हैं। और मैं सब डेड ब्रेसेस पे अटैक कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्टर लूट है। ओह माय गुडनेस गाइस, आपके स्क्रीन के सामने पेश कर रहा हूँ यहाँ पे एक इनसेन ऑसम अमेजिंग लूट, और आप देख सकते हो कि क्यों मेरे को इतना पसंद है स्नेकी गॉब्लिंस। अब देखो मैं करूँगा क्या, पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छे से ट्रैक करता हूँ कि है कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ड्रिल्स हैं यहाँ पे, तो सिर्फ ड्रिल का मामला, इधर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, एक जंप मारूंगा ड्रिल्स को निकाल लूंगा। इस साइड पूरे जितने भी कलेक्टर्स हैं आप देख सकते हो गोल्ड और एलिक्सिर वाले, वो सारे इधर हैं। तो हम करेंगे क्या, हम पहले वॉल ब्रेक करेंगे यहाँ पे, थोड़े ज़्यादा वॉल ब्रेकर्स, क्योंकि कंजूसी मैं बिल्कुल नहीं करता, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि कंजूसी ना करें। तो यहाँ पे मैं कुछ भेज रहा हूँ अपने सुपर स्नीकी गॉब्लिंस, एंड जितने भी कलेक्टर्स हैं यहाँ पे पूरा खाली करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ स्नीकी गॉब्लिंस और भेज रहे हैं, एंड मीन वाइल मेरे को तब तक यहाँ पे भी एक वॉल ओपन करके रखना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, और दो नहीं, ओके हो गया। ओके, सो यहाँ पे काम बढ़िया चल रहा है, अभी और स्नीकी गॉब्लिंस हमें ड्रॉप करने पड़ेंगे यहाँ पे, ताकि सारे खाली करें। हम लोग बहुत ही शांति से करेंगे, कोई हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे आराम से हमारे स्नीकी गॉब्लिंस जो हैं वो निकाल रहे हैं हमारे सारे कलेक्टर्स। एंड थोड़े और स्नीकी गॉब्लिंस मैं यहाँ पे और यहाँ पे सेंड करना चाहूँगा। ओके, इधर वाले स्नीकी गॉब्लिंस जो वो थोड़े दूर चले जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक जंप डाल के यहाँ पे इसके जो ड्रिल्स हैं वो गायब कर देता हूँ,
तीन ड्रिल्स हैं और ड्रिल्स में काफ़ी अच्छा अमाउंट में डार्क एलिक्सिर है यहाँ पे मेरे को जितना लग रहा है। तो एक ड्रिल ले चुके हम लोग, दूसरा ड्रिल ओ भाई ऑलमोस्ट ले चुके थे, थोड़ा सा मिस हो गया। चलो थर्ड ड्रिल है, ये थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। ओके तो इसके पास यहाँ पे स्टोरेज में भी थोड़ा बहुत लूट है जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो एक काम करेंगे हम, किंग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, क्वीन एंड वार्डन सारे हीरोज यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। अब वॉल्स ओपन करने के लिए थोड़ा वेट करना है, यहाँ पे कुछ वॉल ब्रेकर्स में सेंड कर रहा हूँ। विजिटर एक थ्रेड है, ओके वॉल ओपन हो गया विच इज़ ऑसम। ओके सो अब हम अपने स्निकी गॉबलिंस को यहाँ पे भेज सकते हैं। मेरे को एक रेज लाना चाहिए था यार, ये गलती हो गई मेरे से। एक रेज बहुत ही अच्छा होता अगर मैं लेके आता तो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रेज करता तो टाउन हॉल को हम बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। बट एक अच्छी बात ये है कि क्वीन जो है वो शायद कोर की तरफ आ रही है विच इज़ गुड, और यहाँ पे मैंने स्टार्स भी निकाल रही हैं तो ट्रॉफीज़ भी मेरे माइनस नहीं होंगे। कभी कभी ऐसे बेसिस मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ट्रॉफीज़ माइनस नहीं होते हैं, आपको कुछ ट्रॉफीज़ गेन हो जाते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है तो उसका भी आप ध्यान रखें। जब मैं तो एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, जब स्निकी गॉबलिन से आप अटैक कर रहे हो तो ट्रॉफीज़ का बिल्कुल मत सोचें, ट्रॉफीज़ थोड़े ड्रॉप भी हो गए तो हो जाने दो, उसके बाद आप नॉर्मल अटैक करके उसको बैलेंस कर सकते हो। तो फाइनली गाइज यहाँ पे एक और माइंड बचा है गोल्ड का, जिसमें थोड़ा सा गोल्ड है तो उसको भी हमने निकाल लिया है। अब थोड़ा बोड़ा इधर उधर बचा हुआ है जिसको हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे जिसके बारे में, ठीक है। वॉर्डनेबिलिटी यहाँ पे मैंने पॉपअप करके अपनी बैटल जो है वो एंड कर दी। आप देख सकते हो हेल्दी गोल्ड मिला है हमें, काफ़ी सारा एलिक्सिर और बहुत अच्छा डार्क एलिक्सिर हम लेके वापस आ रहे हैं। गोल्ड हमारा पूरा भर चुका है। सो इन्फर्नो टायर जो मैंने थोड़ी देर पहले सोचा था उसे अब हम अपग्रेड कर सकते हैं, और मैं पूरा आउट हो चुका हूँ, बिल्कुल जीरो हो चुका हूँ मैं। कोई बात नहीं, हमारे पास ट्रेजरी में थोड़ा सा है तो उसे थोड़ा सा कलेक्ट कर लेंगे। अब डार्क सॉरी एलिक्सिर भी मेरे भर गया, डार्क एलिक्सिर भी जितना मैं चाहिए था वो हो गया। चलिए अब बारी आती है क्वीन की, जिसके लिए आप लोग आए हैं इस वाले एपिसोड में। तो गाइज फटाफट शुरू करते हैं, और एक लाइक भी वीडियो को बनती है क्वीन को आज 40 करने के लिए। चलिए तो सबसे पहला लेवल हम करेंगे यहाँ पे, ये कर दिया मैंने अपग्रेड, ये कर दिया मैंने फिनिश, नाइस एंड जूसी गाइज। अब मेरे को पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप सेकंड लेवल तो कैसे कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए भी मेरे पास प्लान्स हैं। हम क्या करेंगे गाइज, मैं अपने टाउन हॉल में जाऊँगा मैजिक आइटम्स के सेक्शन में, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक रून है जिसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये रून मैंने यूज़ कर लिया गाइज, 200,000 हमारा भर चुका है डार्क एलिक्सिर, और अब हम क्वीन को अपग्रेड पे फिर से डाल देंगे। नहीं 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 नहीं, गलती हो जाती भाई थोड़ी, फिर से नहीं। ओके डाल दिया, और बुक ऑफ एवरीथिंग से हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया गाइज। एंड फाइनली हमारे पास एक हैमर है जिसकी मदद से मैं क्वीन को 40 कर दूंगा। तो गाइज आज हमने क्वीन को 40 कर लिया, 37 से 40 जंप किया, तीन लेवल जंप किया हमने जो कि एक ह्यूज जंप है। और ऐसे हम क्वीन को 50 करने के लिए थोड़ा थोड़ा वेट करेंगे। मेरे पास मेडल्स हैं, अच्छे खासे मेडल्स हैं, और जो ओके सो मैं 4 लेवल्स कर सकता हूँ भाई, ये चीज़ बहुत ही मज़ा आ गया यार, ये तो बोनस था। चलो एक और लेवल मैंने अपग्रेड कर दिया, तो जो हमने सोचा था 3 लेवल वो फाइनली 4 लेवल पे आ गया है। तो 4 लेवल क्वीन को हमने अपग्रेड कर लिया, 41 पे आ चुकी है हमारी क्वीन, और थोड़ा बहुत डार्क अभी भी मेरे पास है। अभी एलिक्सिर भी मेरे पास काफ़ी सारा है, और एलिक्सिर से जो मैंने एक सोचा है कि सारे बैरक्स में मेरे को अब इलेक्ट्रो ड्रैगन्स जो अनलॉक करने पड़ेंगे, और मेरे को आइस गोलम भी चाहिए होगा क्योंकि आइस गोलम मेरे पास अभी तक अनलॉक नहीं है। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि आइस गोलम को पहले अनलॉक करूँ या फिर सारे बैरक्स में मैं इलेक्ट्रो ड्रैगन जो है अनलॉक कर लूँ। और गाइस थोड़ा अगर बैकग्राउंड न्यूज़ बोल रहा हूँ, नॉइज़ अगर अभी आ रहा है तो उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। यहाँ पे पता नहीं लोग क्या कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज। ओके सो मैं सोच रहा हूँ कि देखो वीडियो तो हमारा काफ़ी अच्छा गया, 4 लेवल क्वीन यार कोई मजाक नहीं होता। तो 4 लेवल हमने क्वीन की कर ली है, अब हमने एक इन्फर्नो टार जो है वो भी लगा दिया, वो भी बहुत ही एक एक्सपेंसिव अपग्रेड था, 10 मिलियन का अपग्रेड था जो हमारा काफ़ी अच्छा गया है। एंड अब मैंने सोच रखा है कि मैं आइस गोलम को अपग्रेड डालूंगा, तो आइस गोलम के बारे में भी अभी हम देखेंगे। बट चलो एक फाइनल रेड मारते हैं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्नेकी गॉब्लिंस रेडी हैं, एंड उसी के साथ मेरे पास वॉल ब्रेकर्स भी हैं। वॉल ब्रेकर्स थोड़े कम हैं बट फिर भी हो जाएगा। चलिए एक और बेस के साथ हम वीडियो को रैप अप करेंगे, फटाफट एक अच्छा सा ड्रिड बेस में सर्च कर लेता हूँ। ओ माय गॉड गाइस 1 मिलियन यहाँ पे गोल्ड है, बट बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये क्योंकि डेड बेस नहीं है और काफ़ी अंदर है। इसके सारे जितने भी कलेक्टर्स हैं वो काफ़ी अंदर है यार, इसको मैं कैसे निकाल पाऊँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, वैसे कुछ प्लान्स मैंने सेट किए अपने लिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलो प्लान ये है कि सबसे पहले मैं क्वीन यूज़ करके थोड़े साइड बिल्डिंग्स क्लियर कर लूँगा। मेरी क्वीन 41 उनकी हो चुकी है तो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ मैं। तो साइड की कुछ बिल्डिंग्स किंग अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वरना और आसान हो जाता, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये काम हमारी क्वीन करेगी हमारे लिए, कुछ बिल्डिंग्स को क्लियर करेगी, कुछ डिफेंस अब जो है यहाँ पे क्वीन ने क्लियर कर दिया है। अब मैं क्वीन की एबिलिटी यूज़ करके यहाँ पे और कुछ साइड बिल्डिंग्स क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि डायरेक्ट पाथ मिलेगा क्वीन को, आप देख सकते हो सॉरी स्नेकी गॉब्लिंस को अंदर में कोर में। ओके अब हम करेंगे ये कि डबल जंप यूज़ करेंगे, क्वीन वॉल ब्रेक कर रही है, वाओ नाइस नॉट बैड। ओके बट फिर भी हम डबल जंप कर रहे हैं यहाँ पे, एंड
पूरी कोशिश रहेगी गाइस की स्नीक, अरे ये क्या हुई है, ओके एक जम गलत पड़ गया, बट कोई बात नहीं, हमारे पास जम की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे स्नीकी गॉब्लिंस, लिटरली बहुत सारे स्नीकी गॉब्लिंस भेज दिए हैं, और भी मैं कुछ स्नीकी गॉब्लिंस यहाँ पे भेज रहा हूँ। वार्डन कम ऑन यार, सपोर्ट करो यार, वार्डन का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ईगल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पे मैंने ईगल आर्टिलरी से बचने के लिए वार्डन एबिलिटी पॉप अप कर ली है। सो ऑलमोस्ट मैंने सारे स्नीकी गॉब्लिंस यूज़ कर लिया है। आई थिंक इसके इन्फर्नो टार्स क्योंकि सिंगल पे सेट है तो मैं बच जाऊँगा, और मेरे स्नीकी गॉब्लिंस जो है वो निकल जाएंगे, शायद से बच जाएंगे। ओ माई गॉड गाइज, ओके सो ऑलमोस्ट हमने पूरा गोल्ड निकाल लिया, इसका पूरा का पूरा गोल्ड हमने इसका खाली कर दिया, बट अभी भी हम बहुत सारे एलिक्सिर जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक और ट्राई मारूंगा मैं, यहाँ से थोड़ा एलिक्सिर मिल सकता है। तो अभी भी 17 सुपर स्नीकी गॉब्लिंस हैं मेरे पास, तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, अपने सारे वॉल ब्रेकर्स यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जंप करने वाला हूँ, एंड यहाँ पे अपने सारे स्नीकी गॉब्लिंस डाल रहा हूँ। ओके सो कुछ और, शायद से कुछ और मेरे को मिल जाएंगे। मेरे को पता है आर्टिलरी का डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आर्टिलरी का डैमेज मैं बच नहीं पाऊंगा, बट फिर भी जब तक कि आर्टिलरी का डैमेज ना पड़े, मेरे स्नीकी गॉब्लिंस बहुत सारा जो रिसोर्स है वो लूट चुके होंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने ना कि सिर्फ लूट निकाला, उसी के साथ हमने एक स्टार भी निकाल लिया है, तो बहुत ही सही है गाइज, काफ़ी अच्छा गोल्ड, काफ़ी अच्छा एलिक्सिर, और डार्क एलिक्सिर भी काफ़ी तगड़ा मिला है यहाँ पे, और 10 ट्रॉफीज़ भी मिल गए, तो यहाँ पे माइनस का भी सामना नहीं करना पड़ा, और काफ़ी इनसेन लूट मिल गया। अगर किंग होता अवेलेबल तो और थोड़ा लूट हम निकाल सकते, बस कोई बात नहीं गाइज, बहुत अच्छा गया। और बीच में मैंने एक वॉल भी अपग्रेड कर लिया था ताकि एलिक्सिर मेरा वेस्ट ना हो। तो चलिए अब नेक्स्ट अपग्रेड जो मैंने बताया था आपको, बट उसके पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले देख लेता हूँ कितना टाइम है। ओके सो 20 घंटे बाद एक बॉट बिल्डर फ्री हो जाएगा, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो मेरा डार्क बैरक है इस पर मैं आइस गोलम को अनलॉक होने के लिए छोड़ देता हूँ, एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस। दोनों बिल्डर्स को बिजी करवा दिए, क्वीन को 4 लेवल अपग्रेड किया। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बेस जो है वो जल्द से जल्द मैक्स करें, तो इस सीरीज़ को फॉलो करें। ऊपर कार्ड्स में आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, सारे देखो और आपको पता चलेगा कैसे कैसे करना है। मैं मिलूंगा गाइस तब तक नेक्स्ट वीडियो में, होप श्योर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं। एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।